तरह मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से जदयू में कुछ नेता बौखला गए हैं, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि पहले अपना घर देखिए, तब दूसरे के पास आप झांकिए। पर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप मुकाबला क्या करेंगे? और जिन्होंने बयान दिया है वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें कि वो उनके बयान का महत्व क्या होगा। वो खुद और पब्लिक उनको खोज रही है हर जगह पे। उनको मैं आग्रह करता हूँ कि आप घर में रहिए, बाहर मत जाइए, पब्लिक खोज रही है, कहीं पब्लिक आप पर आपके जो कामों से इतनी खुश है कि पब्लिक आपको ही रखना चाह रही है। तो मैं उनको इस चैनल के माध्यम से उनसे इल्तजा करता हूँ कि ऐसा बयान ना दें कि जिससे किसी को ठेस पहुँचे। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो मिशन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उससे इतनी बौखला गए आप लोग, इतनी आपको मिर्ची लग गई। वाह रे वाह, इसके मतलब आप बिहार के हैं नहीं। हमारे अध्यक्ष का सोच क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट हो और बिहारी का मान सम्मान पूरे देश में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, बिहारियों का डंका बजे और बिहार के अंदर कल कारखाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार के अंदर आए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जॉब्स वगैरह जितने भी हमारे बेरोजगार लड़के हैं उनको नौकरी बिहार में ही मिले, पलायन नहीं करे बाहर की तरफ। ठीक, इतने बौखला गए हैं ये कि उलझलुल बयान देते देते परेशान हो गए, हताशा हो गए हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद बढ़ रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोग चहेते हैं, खास के नौजवान, उनको नौजवान हमारा देखना चाहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ बिहार, तभी बिहार का विकास होगा। और मैं उनको इस तरह का बयान देने से उनका मानसिक संतुलन को लगता है कि ख़राब हो गया है। पहले अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराएं, तब जा करके वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बयान दें। और बयान देने से पहले 100 बार वो सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए पब्लिक उनको खोज रही है। पहले वो फील्ड में जाएं, तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात करें।